साल था 1687, जहाँ पे सर आइजैक न्यूटन अपने एक बुक में फिलोसोफी न्यूटलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश किए थे, जहाँ सब कुछ का एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिला। उसमें न्यूटन ने केवल ये डिस्क्राइब नहीं किए थे कि कैसे ऑब्जेक्ट्स स्पेस एंड टाइम में गति करते हैं, उसके साथ वो कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स भी डेवलप किए थे ताकि ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एनालाइज कर सके। न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को एक लॉ बनाया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं एक बल से, यानी एक फोर्स से, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। वो फोर्स टू बॉडीज के बीच काम करती है इसी रूप से, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, एंड अगर बहुत पास में रह रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स तब वो फोर्स और ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो न्यूटन ने एक फार्मूला इन्वेंट किया उनके ऑब्जर्वेशन से, F=gm1m2/r², जहाँ पर m1 और m2 दो बॉडीज के मासेस होते हैं और r उनके बीच डिस्टेंस को कहा जाता है। यह वही फोर्स है जो हर चीज़ को पृथ्वी की तरफ खींचता है। न्यूटन ने यह दर्शाया कि इसी लॉ के अनुसार ग्रेविटी एक रीजन है जो मून को इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने के लिए मजबूर करता है, वो भी अर्थ के चारों ओर, एंड बाकी प्लैनेट्स भी वो लॉ के अनुसार इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं सन के चारों ओर। कॉपरनिकन मॉडल टोलेमी के सेलेस्टियल स्फीयर से छुटकारा पाता है और उसके साथ विचार है कि ब्रह्मांड की प्राकृतिक सीमा थी। फिक्स्ड स्टार हमेशा अपनी जगह पे स्थिर ही रहते थे, केवल हमारी अर्थ की रोटेशन की वजह से उनका पोजीशन चेंज होता दिखता था आसमान में, जैसे हमारा सूर्य अपनी पोजीशन चेंज करता है क्योंकि अर्थ की रोटेशन की वजह से। ये सब फिक्स्ड स्टार्स बहुत दूर स्थिर है इसलिए ये हरकत करते हैं। न्यूटन ने महसूस किए कि ग्रेविटी के हिस्ट्री के अनुसार सितारों को एक दूसरे को आकर्षित करना चाहिए, इसलिए ऐसा लगता है कि वे निश्चित रूप से मोशनलेस नहीं रह सकते थे। क्या वो सभी एक साथ एक बिंदु में नहीं गिरेंगे? 1691 में रिचर्ड बेंटली को एक लेटर में न्यूटन ने आर्गुमेंट दिए थे कि यह वास्तव में तब होगा जब अंतरिक्ष में अगर फाइनाइट स्पेस में फाइनाइट स्टार्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन उन्होंने यानी न्यूटन ने तर्क दिया कि यदि दूसरी तरफ इन्फिनाइट सितारे इन्फिनाइट स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, चाहे यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली हो, तो एक पॉइंट में कोई सितारा क्यों गिरेगा, क्योंकि इन्फिनाइट स्पेस में कोई एक पॉइंट सेंट्रल नहीं होगी। सो ऐसे करके न्यूटन ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए कि स्टार्स एक पॉइंट में नहीं गिरेंगे क्योंकि इन्फिनाइट स्पेस में इन्फिनाइट स्टार्स ही है। जब भी बात इन्फिनिटी की होती है तब हमारा मैथमेटिक्स भी हमें कुछ अच्छे से समझा नहीं पाता। एक इन्फिनिटी यूनिवर्स में कोई भी एक पॉइंट को आप सेंटर ले सकते हो क्योंकि हर एक पॉइंट के साइड्स में इन्फिनाइट स्टार्स ही होंगे, चाहे कोई भी साइड हो, पर सही अप्रोच नहीं था ये। बाद में यह महसूस किया गया कि फाइनाइट सिचुएशन ही सही होगा। इन्फिनिटी स्टैटिक मॉडल यूनिवर्स का असंभव है जहाँ पर ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होता हो। ताजो की बात यह है कि कोई भी 20th century से पहले यह तर्क नहीं दिया था कि यूनिवर्स एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करता होगा। इससे पहले सबका यही मानना था कि यूनिवर्स हमेशा से है, एक अनचेंजिंग स्टेट में है, मतलब स्थिर है हमारा यूनिवर्स हमेशा से। एंड कुछ मानते थे कि कुछ समय से पहले यानी कुछ अरब साल पहले यूनिवर्स जन्म हुआ होगा। इंसान को क्या खुशी मिलती है पता नहीं, हमेशा यही सोचते हैं कि यूनिवर्स का कभी जन्म नहीं हुआ है, यूनिवर्स सदियों से रहता चला आ रहा है। उम्र बढ़ने पर इंसान खुद मरता है, बट पता नहीं क्यों कुछ सोचते हैं कि यूनिवर्स की कभी जन्म नहीं है एंड डेथ भी नहीं हुआ होगा। न्यूटन के टाइम पे कुछ फिजिसिस्ट को रियलाइज हुआ कि ग्रेविटी के लॉ के अनुसार यूनिवर्स स्टैटिक कभी नहीं हो सकता, बल्कि वो सब इस थ्योरी को मॉडिफाई करके तर्क दिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव हो जाता है जब ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा दूरी पर हो। हालांकि ये मॉडिफाइड थ्योरी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाया प्लैनेट्स की स्थिति एंड मोशन को जानने के लिए, बट इस लॉ के अनुसार इन्फिनिटी मॉडल को देखा जा सकता था क्योंकि इन्फिनिटी स्टार्स स्पेस में होंगे तब पास रहने वाले स्टार्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्स होता होगा एंड दूर रहने वाले स्टार्स के बीच रिपल्सिव फोर्स, जिसके वजह से सभी स्टार्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में रह पाए। इक्विलिब्रियम ऐसा एक पोजीशन है जब अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स सेम होती है एंड नेट फोर्स जीरो होता है। हालांकि ऐसा एक इक्विलिब्रियम भी स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि कोई भी एक स्टार अगर किसी एक रीजन में
ज़्यादा नज़दीक या ज़्यादा दूर हो जाए तब तो इक्विलिब्रियम टूट जाएगा। कोई भी एक स्टार अगर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटके ज़्यादा नज़दीक आता है किसी और एक स्टार के पास, देन अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और वही अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी रिपल्सिव फोर्स को। या फिर कोई एक स्टार अगर दूर चली जाती है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तब रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी एंड डोमिनेट करेगी अट्रैक्टिव फोर्स को। स्टार्स जब आसमान में चमकते हैं तब माना जाता था ये ग्लो उनका हमेशा से रहता चला आ रहा है, बट सही अप्रोच यह नहीं था, क्योंकि ऐसा अगर होता तो हमारा आसमान रात में भी सूर्य जितना तेज चमकता। ये आर्गुमेंट दिए थे हेनरी ओल्बर्स। केवल एक ही तरीका था इसे रेक्टिफाई करने के लिए कि यूनिवर्स में स्टार्स कुछ फाइनाइट टाइम से पहले ही जल रहे हैं, एंड जैसे कि वो बहुत दूर में स्थित हैं उनसे निकली लाइट हम तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पाती होगी क्योंकि इंटरवेनिंग मैटर उनके सामने आ जाती है। हालांकि ज्यूइश क्रिश्चियन मुस्लिम ट्रेडिशन में ये माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स कुछ फाइनाइट टाइम से पहले ही पैदा हुए होंगे। जैसे कि हम जानते हैं टाइम एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव होता है, एंड यूनिवर्स के अंदर हमेशा कुछ घटनाओं के कारण होने वाली एक घटना को समझाता है। यूनिवर्स के अस्तित्व को समझा जा सकता है अगर केवल कुछ शुरुआत हुआ हो। सिविलाइजेशंस प्रगति कर रही है और हमें याद है कि इस कार्य को किसने किया या उस टेक्निक को कौन विकसित किया। इसी प्रकार मनुष्य और शायद यूनिवर्स इतने लंबे समय तक नहीं हो सका। अगस्तीन के अनुसार बुक ऑफ जेनेसिस में जो लिखा है कि यूनिवर्स 7000 ईयर्स ओल्ड पुराना है, उसे वो एक्सेप्ट करते थे। एरिस्टोटल और उनके साथ बाकी फिलोसोफर कभी भी क्रिएशन को बिलीव नहीं करते थे क्योंकि उनमें स्पिरिचुअलिटी वगैरह होती है, इसलिए वो हमेशा सोचते आ रहे हैं कि मनुष्य सभ्यता के साथ यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करता आ रहा है एंड इसकी शुरुआत नहीं है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए कोई क्रिएटर की ज़रूरत है, जो वो बिलीव नहीं करते थे। वो ये भी मानते थे कि हमेशा बर्बादी होती है सभ्यता की, फ्लॉड ड्रॉट्स या कोई भी रीजन के लिए, इसलिए सभ्यता फिर से शून्य यानी स्टार्टिंग से फिर शुरू होती है। ये तबाही हमेशा सभ्यताओं को पीछे ढकेल देती है, उन सब का मानना यही था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि हबल की ऑब्जर्वेशंस के वजह से एक्सपैंडिंग यूनिवर्स एंड बिग बैंग की थ्योरी एस्टेब्लिश हो पाई।